हेलो एवरीवन चलो बच्चे अच्छा हमने कल डिपेंडेंट ब्रांचेस का केस हमने कल शुरू किया था और मैंने कहा था कि तीन मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं पहला है आपका डेटर्स मेथड दूसरा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और तीसरा है होल सेल ब्रांच मेथड ठीक है तो आज हम ना पहले हम शुरू करेंगे डेटर्स मेथड अच्छा मैं ये जो क्वेश्चन हैं ये मैं आपका लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा ठीक है तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना ठीक है चलो आ जाओ बेटा डेटर्स मेथड का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च इलेवन देखो क्या कर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग पेटी कैश ओपनिंग फर्नीचर गुड्सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट गुड रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स टू ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग पेटी कैश फर्नीचर एट द एंड चेक सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कैश सेल फर्नीचर पे क्या है डेप्रिसिएशन तो बेटा आपको बनाना क्या है एचओ की बुक्स में हेड ऑफिस की बुक्स में आपको बेटा मद्रास ब्रांच अकाउंट आपको बनाना है चलो बेटा करना शुरू करेंगे हेडिंग लिखना मेरे साथ साथ हेडिंग लिखना बुक्स ऑफ एचओ और एच की बुक्स में हम बनाएंगे मद्रास ब्रांच अकाउंट एच ओ की बुक्स में हम बनाएंगे बेटा मद्रास ब्रांच अकाउंट ठीक है चलो बना लो सब करना शुरू करते हैं फिर चलो बेटा करना शुरू करते हैं आओ जरा साथ-साथ क्वेश्चन देखते जाओ देखो याद करो कल मैंने आपको ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बताया था और मैंने कहा था ब्रांच अकाउंट में सबसे पहली चीज बेटा क्या आएगी आपकी ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे सबसे पहले तो और अगर आप क्वेश्चन में देखो तो ब्रांच के ओपनिंग बैलेंसेस आपको टोटल चार दे रखे हैं ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग पेटी कैश और ओपनिंग फर्नीचर चलो लिखो मेरा बेटा सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है स्टॉक का डेटर्स का कैश का और बेटा किसका फर्नीचर का ठीक है चारों के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे कितने कितने देखो थ्री लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है कितना है थ्री लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड स्टॉक का ठीक है डेटस का देखो डेटस का है ट्वेंटी एट थाउजेंड डेटर्स का बैलेंस है आपका ट्वेंटी एट थाउजेंड कैश फाइव हंड्रेड और फर्नीचर ट्वेल्व थाउजेंड यह आपके बेटा क्या हो गए ओपनिंग बैलेंसेस ठीक है लिखो अच्छा इसके बाद देखना और क्या है अब ये बताना मुझे गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट किसने किसको गुड्स भेजे हैं एच ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं तो ब्रांच को गुड्स बेटा क्या हो रहे हैं रिसीव और मैंने कल क्या बताया था डेबिट द रिसीवर टेन लैक फोर्टी फोर थाउजेंड तो यहां पर आ जाएगा डेबिट करना डेबिट द रिसीवर ब्रांच को रिसीव हो रहे हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच टेन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड ठीक है अच्छा फिर इसके बाद इसमें से टेन लैक फोर्टी फोर थाउजेंड में से, से गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एच ओ सेवेंटीन टू हंड्रेड किसने किसको रिटर्न करे ब्रांच ने एच ओ को तो ब्रांच गिवर हो गया ना क्रेडिट द गिवर तो बाय साइड पे आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न कितने के 17,200 के ये आपके गुड सेंट टू ब्रांच के बच्चे क्या आ गए रिटर्न आ गए कर लो कॉपी कर लो कर लिया बच्चे कॉपी चलो अब आ जाओ अगले पे अब देखो क्या है ध्यान से अब देखो अगला क्या है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स टू ब्रांच कस्टमर ने रिटर्न करे हैं मतलब सेल्स रिटर्न का केस है बेटा और मैंने कल क्या बताया था ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आती हैं विच आर डन बिटवीन एच ओ एंड ब्रांच सेल्स रिटर्न इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी ये ब्रांच अकाउंट में इंक्लूड नहीं होती है अच्छा अगला अब आपको कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं स्टॉक का डेटर्स का कैश का और फर्नीचर का लिखो ठीक है लास्ट में लिखना बाय बैलेंस कैरेट डाउन स्टॉक डेटर्स कैश और फर्नीचर स्टॉक डेटर्स कैश और फर्नीचर ठीक है चलो बेटा लिखो इनका क्लोजिंग बैलेंसेस क्या क्या है देखो स्टॉक का है थ्री सेवेंटी सिक्स एट हंड्रेड का वन लैख टू थाउजेंड तो स्टॉक का है आपका थ्री सेवेंटी सिक्स एट हंड्रेड का वन लैख टू थाउजेंड अच्छा इसके अलावा पेटी कैश का टू फोर्टी पेटी कैश का आपको टू फोर्टी दे रखा है और फर्नीचर का ना नॉट गिवन लिखा था लेकिन आप फर्नीचर का क्लोजिंग निकाल सकते हो सबसे लास्ट लाइन में पढ़ो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन दे रखा था टेन परसेंट का तो मुझे बताओ बारह हजार का फर्नीचर है उस पर टेन परसेंट का डेप्रिसिएशन बारह सौ रुपए का डेप्रिसिएशन तो क्लोजिंग बैलेंस टेन थाउजेंड एट हंड्रेड यह आपका फर्नीचर का क्लोजिंग आ गया कॉपी कर लो इतना फिर आगे चलते हैं ठीक है ये सारे आपके क्या आ गए क्लोजिंग बैलेंसेस अब देखो फिर उसने कहा चेक वर्ड क्या कहा है उसने चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस किसने किसको चेक भेजा है एचओ ने ब्रांच को भेजा है तो ब्रांच को रिसीव हो रहा है ना डेबिट द रिसीवर ब्रांच डेबिट हो जाएगी आपकी टू क्या भेजा है चेक भेजा है या कैश भेजा है चेक भेजा है ना तो टू बैंक लिखोगे ना किस परपस के लिए भेजा है एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए देखो कितने रुपए का नाइनटी नाइन सेवन फोर्टी का नाइनटी नाइन सेवन फोर्टी का चेक भेजा है बात समझ आ रही है बेटा सबको अच्छा अगला देखो ये देखना जरा अगले दो पॉइंट्स मुझे एक बार बताओ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और कैश सेल ये दोनों ना बेटा ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी है तो ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आती है लेकिन 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 यही डेटर से जो कैश आपको मिला है ये अल्टीमेटली ब्रांच किसको रेमिट करेगी एचओ को और जब एचओ को रेमिट करेगी तो तो आएगा ना ब्रांच अकाउंट में मतलब बात समझो जब पैसा डेटर से मिला तब नहीं आएगा और यही पैसा जब एचओ को रेमिट किया जाएगा तब आएगा ऐसे ही सेम कैश सेल जब ब्रांच ने कैश सेल करी और पैसा मिला तब नहीं आएगा ब्रांच अकाउंट में क्यों ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी लेकिन यही पैसा जब ब्रांच आगे रेमिट करेगी एचओ को तब तो आएगा ना तो ये दोनों ना रेमिटेंस का पार्ट होते हैं रेमिटेंस का पार्ट होते हैं मतलब ये दोनों अल्टीमेटली बताओ किसको रेमिट कर दिए जाएंगे एचओ को ये पैसा क्या कर दिया जाता है रेमिट कौन कर रहा है रेमिट ब्रांच कर रही है तो ब्रांच दे रही है ना क्रेडिट द गिवर तो आप बाय साइड पे लिखोगे बाय कैश ब्रैकेट्स में लिखना रेमिटेंस ठीक है दोनों आ जाएंगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी आ जाएगा ये भी रेमिट होगा और जो कैश सेल्स का पैसा है वो भी अल्टीमेटली क्या होगा रेमिट कितना कितना 78,000 ये रेमिट होगा और सिक्सटी फोर थाउजेंड ये रेमिट होगा तो यहां पर लिखना 12 ये कैश और सिक्सटी फोर थाउजेंड आपका कैश सेल बस मेरे ख्याल से बेटा हो गया सारा क्वेश्चन चलो ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं जरा देखो थ्री लैख नाइन्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड का प्रॉफिट आ रहा है थ्री लैक नाइन्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड का प्रॉफिट दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिस इज ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलो बेटा कॉपी कर लो सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है कॉपी कर लो क्वेश्चन यह आपका मद्रास ब्रांच अकाउंट हो गया इन द बुक्स ऑफ एचओ हो गया बेटा करें अब अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है फैंसी क्लोथ लिमिटेड ओपनड ब्रांच एट डेली इन 2004 फिगर्स फॉर 2004 आर गिवन बिलो ओपन ब्रांच तो याद रखना ये ब्रांच इसी साल ओपन हुई है और क्योंकि इसी साल ओपन हुई है तो ओपनिंग बैलेंसेस बेटे जीरो होंगे फिर कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसिस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग डेटर गुड सेंट टू ब्रांच कैश सेल क्रेडिट सेल कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और प्रिपेयर डेली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फैंसी क्लोथ लिमिटेड फॉर दर एंडिंग थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फोर चलो मेरे एक काम करो बुक्स ऑफ फैंसी क्लोथ लिमिटेड बुक्स बनाओ बुक्स ऑफ फैंसी क्लोथ लिमिटेड और उसमें बनाओ डेली ब्रांच अकाउंट हेडिंग लिखना बुक्स ऑफ फैंसी क्लोथ्स लिमिटेड और उसमें बनाना डेली ब्रांच अकाउंट फैंसी क्लोथ्स लिमिटेड की बुक्स में बनाओ डेली ब्रांच अकाउंट ठीक है चलो करना शुरू करते हैं अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ क्योंकि यह ब्रांच इसी साल ओपन हुई है तो ओपनिंग बैलेंसेस सारे नील हो जाएंगे अब आओ क्या क्या और कहा है उसने देखो उसने कहा है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस किसने किसको कैश भेजा एचओ ने ब्रांच को कैश भेजा तो ब्रांच को कैश रिसीव हो रहा है ना डेबिट द रिसीवर थर्टी फाइव हंड्रेड का तो आप यहां पर लिखोगे टू अच्छा कैश अच्छा ये कैश क्यों भेजा गया था एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए थर्टी फाइव का ठीक है, फिर देखो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फोर थाउजेंड क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं 1700 हंड्रेड रखो क्लोजिंग स्टॉक फोर थाउजेंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग स्टॉक फोर थाउजेंड क्लोजिंग डेटर्स सेवेंटीन हंड्रेड ठीक है लिख लो क्लोजिंग स्टॉक फोर थाउजेंड क्लोजिंग डेटर सेवेंटीन हंड्रेड फिर देखो फिर आपको दे रखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच ये गुड्स पहले बताओ किसने किसको भेजे ब्रांच ने ये गुड्स एच ओ ने ये गुड्स ब्रांच को भेजे हैं तो ब्रांच को रिसीव हो रहे हैं डेबिट द रिसीवर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो आप लिखोगे डेबिट द रिसीवर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने के ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के गुड्स ठीक है बेटे अच्छा फिर इसके बाद आता है अपने आप बताना कैश सेल नहीं आएगा क्यों ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी लेकिन यही कैश सेल का पैसा जब रेमिट होगा एचओ को तब तो आएगा ना तो लिखोगे रेमिटेंस में किसने किसको रेमिट किया है बताओ किसने किसको रेमिट किया है ब्रांच ने एचओ को तो ब्रांच दे रहा है ना क्रेडिट द गिवर बाय कैश ब्रैकेट्स में लिखना रेमिटेंस और इसके नीचे लिखो कैश सेल कितना पैसा रेमिट करा टेन थाउजेंड फिर देखो क्रेडिट सेल मुझे बताओ क्रेडिट सेल तो आएगा ही नहीं क्यों ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर वैसे तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी नहीं आएगा क्यों इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी लेकिन यही पैसा ब्रांच जब एचओ को रेमिट करेगा तब तो आएगा ना तो रेमिटेंस में लिखना साइड पे यहां पर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कैश फ्रॉम डेटर्स कितना सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है बस हो गया चलो कॉपी कर लो सब कॉपी कर लो प्रॉफिट निकालते हैं इतने टू हंड्रेड रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है और वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थर्टी टू हंड्रेड रुपीज का प्रॉफिट ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर टू हो गया कॉपी कर लो सब क्वेश्चन नंबर टू सिंपल सा क्वेश्चन था कॉपी कर लो ठीक है बेटा ध्यान रखना ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आ रही हैं विचार बिटवीन एचओ एंड ब्रांच अगर ब्रांच की थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुई है वो नहीं आएगी ब्रांच अकाउंट में कर लिया सबने चलो जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थ्री सिंपल सा ये भी देखो एम एंड कंपनी हैज इट्स एच ओ एट डेली एंड ब्रांच एट कानपुर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन द ईयर 2010 ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग डेटर ओपनिंग पेटी कैश गुड्स सेंड टू ब्रांच कैश सेल कैश रिसीव फ्रॉम डेटर देखना और क्या क्या है अच्छा इसके अलावा और क्या है कैश सेंट टू ब्रांच रेंट का सैलरी का अदर एक्सपेंसेस का गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच पेटी कैश का क्लोजिंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर क्लोजिंग डेटर उसने कहा है प्रिपेयर कानपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डेली हेड ऑफिस चलो बेटे बनाते हैं कानपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डेली हेड ऑफिस हेडिंग लिखो बुक्स ऑफ डेली हेड ऑफिस उसमें हम बनाएंगे कानपुर ब्रांच अकाउंट तो दिल्ली हेड ऑफिस की बुक्स में बनाएंगे कानपुर ब्रांच अकाउंट ठीक है चलो बनाओ फॉर्मेट करना शुरू करते हैं फिर हेड ऑफिस की बुक्स है और उसमें ब्रांच का अकाउंट है चलो देखो क्या क्या दे रखा है अब सबसे पहले आपको ना ओपनिंग स्टॉक दे रखा था मेरे को बताओ ओपनिंग बैलेंसेस में क्या क्या दे रखा है ओपनिंग बैलेंसेज में स्टॉक दे रखा है थर्टी थाउजेंड का ओपनिंग बताना डेटर दे रखे हैं फिफ्टीन के और पेटी कैश दे रखा है वन फिफ्टी का तो चलो ओपनिंग में तीन चीजें हैं लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन सबसे पहले दे रखा है स्टॉक का कितना थर्टी फिर आपको दे रखा था डेटर्स का कितना फिफ्टीन फिर आपको दे रखा था पेटी कैश का वन फिफ्टी ये तीन ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे थे अब देखो इसके अलावा अभी क्लोजिंग को रहने देना वो बाद में देखते हैं गुड सेंट टू ब्रांच वन लैख फाइव थाउजेंड के किसने किसको भेजे एचओ ने ब्रांच को तो ब्रांच को रिसीव हुए ना डेबिट द दे रिसीवर वन लैख फाइव डेबिट द दे रिसीवर टू गुड्स टू ब्रांच कितने रुपए के गुड्स भेजे वन लैख के इसके अलावा कैश सेल आपको अच्छी तरह पता है कैश सेल नहीं आती है लेकिन लेकिन यही कैश सेल का पैसा जब आगे क्या होगा रेमिट होगा तब तो आएगा ना और सेम कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी नहीं आएगा आपका हां बच्चे कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इन दोनों के लिए मेरे को बताओ ये दोनों चीजें ब्रांच अकाउंट में नहीं आएंगी क्यों ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी लेकिन यही दोनों चीजें जब आगे क्या करी जाएंगी एचओ को रेमिट तब तो आएंगी ना तो लिखो बाय साइड पे बाय कैश ब्रैकेट्स में लिखना रेमिटेंस इसमें दो चीजें आएंगी कैश सेल सिक्सटी और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर थर्टी ठीक है फिर देखो इसके बाद अच्छा इसके बाद ना एचओ ने ब्रांच को कुछ कैश भेजा है एक्सपेंसेस के लिए अच्छा मुझे बेटा एक बात बताओ ये जो कैश है ये किसने किसको भेजा है एचओ ने ब्रांच को भेजा है किस पर्पस के लिए ताकि इस पैसे से ब्रांच खर्चे मीट आउट कर पाए कौन कौन से रेंट का पंद्रह सो सैलरी का ट्वेंटी टू फिफ्टी और अदर एक्सपेंसिस एड कर सिक्स थाउजेंड इसका मतलब एचओ ने ब्रांच को टोटल सिक्स थाउजेंड का कैश भेजा है ताकि ब्रांच इस पैसे से क्या मीट आउट कर पाए अपने एक्सपेंसेस तो ब्रांच को रिसीव हो रहा है डेबिट द दे रिसीवर तो आप यहां पर लिखोगे टू कैश अच्छा ये कैश किस पर्पज के लिए भेजा गया एक्सपेंसिस को मीट आउट करने के लिए सिक्स थाउजेंड ठीक है अब देखो इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच फिफ्टीन हंड्रेड किसने रिटर्न करे ब्रांच ने एचओ को तो ब्रांच गिवर है ना क्रेडिट द गिवर बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स कितना 1500 ठीक है फिर देखो पेटी कैश का क्लोजिंग दे रखा है अच्छा ऊपर हमारा स्टॉक का क्लोजिंग भी था ना कितना देखो क्लोजिंग स्टॉक था 18000 का तो क्लोजिंग स्टॉक है 18 क्लोजिंग डेटर है 60 और पेटी कैश है 105 तो लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन किस किस का स्टॉक का आपको दे रखा है एटीन थाउजेंड स्टॉक का क्लोजिंग एटीन डेटर का क्लोजिंग सिक्सटी पेटी कैश का क्लोजिंग वन जीरो फाइव ये आपके क्लोजिंग हो गए और क्या रह गया बताओ बेटा गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स तो ये तो हो गई आपकी सेल रिटर्न ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी ये आपके ब्रांच अकाउंट में इंक्लूड नहीं होगी बस हो गया चलो प्रॉफिट निकाल लो आपका प्रॉफिट क्या आता है देखो 60 प्लस थर्टी प्लस फिफ्टीन हंड्रेड प्लस एटीन प्लस सिक्सटी प्लस हंड्रेड माइनस थर्टी माइनस फिफ्टीन माइनस वन फिफ्टी माइनस वन लैख फाइव थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंड वन थ्री फोर फाइव फाइव का प्रॉफिट वन थ्री फोर फाइव फाइव का बेटा प्रॉफिट और ये प्रॉफिट जाएगा आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ठीक है बस कॉपी कर लो चलो ये आपके तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे मेरे ख्याल से तीनों क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुए हैं सबको ठीक है चलो कॉपी कर लो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं हो गया सबका चलो बच्चे बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं टिल देन थैंक यू